नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें बच्चा हर बार बोलता है कि सर ये सब नहीं आ रहा है, ये सब बहुत तकलीफ दे रहा है, वो है करंट अकाउंट से रिलेटेड। तो मैं कुछ नोट्स बोलता हूँ, पहले वो नोट्स कॉपी कर लो। सो माय डियर लेडीज एंड लेडास, सुनो, लास्ट जो रिवीजन लेक्चर था उसमें हमने यहां तक के एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे और कुछ सम्स की प्रैक्टिस की थी, साथ ही साथ बोर्ड के कुछ सम्स मैंने भेजा था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख लो। सात तक अपना ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है, ठीक है। एट वाला एडजस्टमेंट क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल। मतलब ये क्या एग्जैक्टली पता है? हमने गुड्स तो बेचा ईयर के एंड में, से फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को रात को 8 बजे हमने कुछ गुड्स बेचा, बट प्रेशर में था, सब ट्रांजेक्शन लिखने के बहुत क्लोजिंग का टेंशन था, तो वो चक्कर में मेरा अकाउंटेंट है ना, वो सेल का एंट्री पास करना भूल गया। तो ये सेल है बट रिकॉर्डेड सेल है कि अनरिकॉर्डेड सेल है? इट इज अनरिकॉर्डेड सेल। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे ना तुमको इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, पहले तुम सेल रिकॉर्ड करना कुछ भूल गए, तो अब अगर रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा सेल कम होगा कि बढ़ जाएगा? से फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में 10 लाख का सेल है, एडजस्टमेंट में पता चला और 1 लाख का अनरिकॉर्डेड सेल है, तो तुम जब लिखोगे तो तुम्हारा सेल टोटल कितना हो गया? 11 लाख। तो बेसिकली सेल कम हो गया, बढ़ गया, यानी कि इफेक्ट नंबर वन क्या होगा? एड टू सेल्स। और एक चीज याद रखना, जब आप गुड्स बेचते हो देर आर टू पॉसिबिलिटी, ये जो आपने अनरिकॉर्डेड सेल है ये या तो आपने कैश बेसिस पे किया होगा या तो क्रेडिट बेसिस पे, समझ में आता है ना? कैश बेसिस मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट ले लिया, क्रेडिट बेसिस मतलब उधार में। तो कभी भी याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा अजम्पशन क्या रहता है? इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोला? इट्स अ, मतलब मैंने ये जो सेल किया है इसका पैसा आ चुका है कि आना बाकी है? रिसीवेबल है ना, मनी क्या है? अगर मनी रिसीवेबल है तो वो पार्टी मेरा क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर। तो बेसिकली जैसे ही तुम्हारा सेल बढ़ेगा साथ ही साथ तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा? डेटर। इसीलिए देखो सेकेंड इफेक्ट क्या है, एड टू डेटर। फिर से बोलता हूं, याद रखना, अनरिकॉर्डेड सेल जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका सेल इंक्रीज होगा, और जैसे ही आपका सेल इंक्रीज होगा तो मनी भी रिसीवेबल होगा। तो अगर मनी रिसीवेबल है तो उसको अपना अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपन वो बंदे को क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो अपना डेटर भी बढ़ जाएगा। तो एड टू सेल एंड एड टू डेटर। फिर से बोलो जरा। ओके, अब एग्जैक्टली देखो, मैंने जोड़ी में इसीलिए रखा है ताकि तुम एक याद करो ना, एक समझ लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ये देखो क्या है, अनरिकॉर्डेड। तो अब मुझे बताओ, अनरिकॉर्डेड परचेज जब रिकॉर्ड करोगे तो परचेज कम होगा, परचेज बढ़ जाएगा? और परचेज अगर बढ़ गया तो परचेज के टाइम पे मनी रिसीवेबल होता है कि पेएबल होता है? उस बंदे को अपन बोलते हैं क्रेडिटर। तो साथ ही साथ हमारा क्या बढ़ जाएगा? ये समझा गया नहीं समझा? तो एड टू सेल एड टू डेटर। अनरिकॉर्डेड सेल में, अनरिकॉर्डेड परचेज में क्या होगा? एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर। पहले ये दो एडजस्टमेंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से सुनना, और उसमें जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है ना उसको फिलहाल इग्नोर करना है तुमको, मैं जो बोलूंगा पहला उतना ही समझना है तुमको। सबसे पहले क्या दिया है? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी तुमको एक चीज बताई थी कि गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा उसका पहला इफेक्ट हमेशा ट्रेडिंग में डालने का, कहाँ डालने का? एंड टेल मी, अगर आप गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे। अच्छा और एक चीज, हाँ बच्चे, एक और गड़बड़ क्या करते हैं, जब तुम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, अकाउंटिंग करते हो ना, तुमको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स कम सी नहीं के गोज आउट है इस वाले भाई, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज मतलब पार्टनर लोग अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स गोज आउट। तो पहला इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग के। बट एक दिमाग में बिठा लो, हाँ गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आए तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में दिखाने का, पहला इफेक्ट क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, एनीथिंग विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज वॉट? ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में से। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम कैपिटल। वो जो दूसरा हाईलाइट किया वो क्या है वो थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे, पहले मुझे बताओ ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है चलो आगे बढ़ो। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन। अब बेसिकली तुमको याद क्या रखना है मालूम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए ना बेटा एक्सपेंस होता है। फर्म के लिए क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाना, तुम कैपिटल कहां दिखाते हो? बैलेंस शीट में, एसेट में कि लाइबिलिटी में? मतलब आप कैपिटल को ऐसा कर्जा मानते हो, क्या मानते हो? कर्जा, लाइबिलिटी। और किसी भी लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट का देने का अगर बात आता है तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम एक एक्सपेंस है। ये याद कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इफेक्ट अपने आप याद हो जाएगा। मेरे को बताओ, अगर ये एक्सपेंस है तो इसका पहला इफेक्ट किधर आएगा? पीएनएल के, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड तो है ही नहीं ना, तो ये किधर आएगा? पीएनएल के डेबिट में। पहला इफेक्ट समझा गया। एंड टेल मी, ये इंटरेस्ट आपको किसको देना है? बाहर वाले को देने का है, पार्टनर को? पार्टनर को कोई भी चीज देना है ना तो उसको कैश नहीं देने का, उसके कैपिटल में डाल देने का।
क्या डाल देने का उसके, तो इसीलिए देखो सेकंड इफेक्ट क्या बोला है, ऐड टू कैपिटल। समझ ला कि नहीं समझ ला? ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा तो एग्जैक्टली इसका उल्टा क्या होगा भाई, ड्रॉइंग पार्टनर ने किया। आप देखो पार्टनर ने जब कैपिटल डाला तो उसने इंटरेस्ट डिमांड कर लिया, तो वैसे ही जब उसने ड्रॉइंग लिया तो फर्म भी बोलेगा ना चल भाई इंटरेस्ट निकाल। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। बट तुम इतना नहीं भी सोचोगे, तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्स इफेक्ट याद कर लो। मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुमने क्या किया था तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, ये समझा क्या? बट एक मिनट, अब ये इंटरेस्ट तुमको किसी बाहर वाले से लेने का क्या, पार्टनर से? तो पार्टनर से कोई चीज लेना है तो पार्टनर कैश नहीं देगा, पार्टनर क्या बोलेगा मेरे कैपिटल में से एडजस्ट कर लो, समझा? तो ये क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। जरा फिर से ये दोनों एडजस्टमेंट फिर से देखना मेरे को, बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या याद रखने का है, इट इज एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस। तो क्या करने का उसको पीएनएल के, और ये जो भी इंटरेस्ट है किसको जाने वाला, पार्टनर को, तो पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर देना है। ये पहला समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एग्जैक्टली उसका उल्टा, क्या करने का पीएनएल के क्रेडिट में दिखाने का, और ऐड टू कैपिटल के बदले क्या करने का, लेस फ्रॉम कैपिटल। पहले बताओ ये दो 11 नंबर और 12 नंबर वाला एडजस्टमेंट समझ में आया? देखो डाउट आएगा ना मेरे को रुका के पूछने का, कोई डाउट है क्या इसमें? कंफर्म, आगे बढ़ू। नेक्स्ट देखो 13th वन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, दो पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता है या एक्स्ट्रा कुछ काम करता है, तो वो क्या बोलता है भाई मुझे इसके लिए अलग से सैलरी चाहिए या कमीशन चाहिए, और उसका बाकायदा तुमको जो पार्टनरशिप डीड बनता है उसमें लिखना पड़ता है कि हाँ भाई अगर किसी ने एक्स्ट्रा काम किया तो उसको इतना सैलरी मिलेगा, किसी ने एक्स्ट्रा सेल किया तो उतना कमीशन मिलेगा, पहले से मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी सम में आया तो ऑब्वियसली उन्होंने मतलब जो भी आपस में डिस्कशन करके किया होगा। अपने को क्या याद रखना है, ये सैलरी और कमीशन जो है चाहे बाहर वालों को दो चाहे पार्टनर को दो, फर्म के लिए इनकम एक एक्सपेंस है। तो इसका भी पहला इफेक्ट किधर डालोगे, पीएनएल के डेबिट में। अब मेरे को बताओ ये खर्चा जो है ये किसी बाहर वालों को अपने को देना है ये पार्टनर को, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला पार्टनर को कुछ भी देना है तो कैश में देंगे या कैपिटल में ऐड कर देंगे, यस तो उसके कैपिटल में ही ऐड कर देंगे। पहला मेरे को बताओ ये सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो गए, कोई डाउट है इसमें? श्योर। अब इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट है, बेसिकली यहाँ पे ना तीन पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मैंने इसको अलग ही रखा है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट और ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में। बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका गुड्स खराब हो गया, अब वो खराब होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आग लगने की वजह से जा सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में मालूम है कभी कभी खराब हो जाता है वो एक के ऊपर एक रख के, या कभी गाड़ी पलट गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज देयर आर थ्री ऑप्शंस, ओके, जिसमें से थर्ड वाला ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में भी ये पूछता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि आपका जो, और मैं ना फायर को बेस ले रहा हूं, ये भी मैं बता दूं, तुमको खाली वर्डिंग चेंज करना रहेगा, फायर के बदले क्या लिखना रहेगा, थेफ्ट, बट इफेक्ट क्या रहेगा तीनों में सेम। ठीक है, अब सुनो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, सपोज तुम्हारे पास 10,000 का गुड्स था, उसमें आग लग गई गुड्स में, तो पहला तो मेरे को बताओ अगर गुड्स में आग लग गई तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स कम्स इन के गुड्स गोज आउट, तो पहला इफेक्ट किधर आएगा बेटा, ट्रेडिंग के। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया बच्चा, गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगा उसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में डालने का, कहां डालने का, ट्रेडिंग, और गुड्स में आग लग गया तो गुड्स गोज आउट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट पहले ये समझा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहला केस नंबर वन क्या रखा है, मतलब जिस गुड्स में आग लगा उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो मेरे को बताओ तुमको कुछ भी क्लेम वगैरह मिलेगा क्या? तो बोलो पूरा का पूरा 10,000 के गुड्स में आग लगा उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इट्स अ टोटली लॉस, और कोई भी लॉस होगा तो उसको हम कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो पहला मुझे बताओ केस नंबर वन समझ में आया क्या? ठीक है, अब केस नंबर टू एग्जैक्टली उसका उल्टा है, लेकिन एक मिनट देखो, इंश्योरेंस है नहीं है दैट इज सेकेंडरी, बट गुड्स में आग लगा इट मींस गुड्स तो बिजनेस से गया ना, तो पहला इफेक्ट यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट में ही आएगा, पहला इफेक्ट समझा गया, किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट में क्या चेंजेस होगा जरा समझना, यहां पे क्या बोलता है, फुल इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, मतलब मेरा 10,000 के गुड्स में आग लगा, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, पूरा कंपनी देती नहीं है यूजुअली, तो मुझे एक चीज बताओ आपके 10,000 के गुड्स में आग लगा और कंपनी बोली चलो हम पूरा 10,000 देने को रेडी है, अच्छा एक मिनट, क्लेम सेटल बोला है कि एडमिटेड बोला है, एडमिटेड मतलब क्लेम अप्रूव हो चुका है, मिला अभी तक मिला नहीं है, वो रेडी है कि हम लोग दे देंगे, तो मेरे को एक चीज बताओ आपके पास है 10,000 का गुड्स गया बट कंपनी वाला बोलता है चलो 10,000 हम लोग रिटर्न करेंगे तुमको, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लॉस बोल सकता हूँ क्या? तो बट लेकिन एक मिनट, पैसा मिल गया या मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज, तो इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के
पहले मेरे को बताओ ये दोनों केस समझ में आया क्या? क्लियर है? फिर से बोलता हूं, देखो इफेक्ट वन विल बी सेम, क्योंकि इंश्योरेंस हो नहीं हो डजंट मैटर, गुड्स में आग लगा मतलब गुड्स तो गया, खाली चेंज क्या हो रहा है इफेक्ट नंबर टू। फर्स्ट केस में पूरा लॉस हो गया, इसके लिए मैंने कहा दिखाया पीएनएल के, दूसरे केस में पूरा पैसा मेरे को रिटर्न आने वाला है, मनी रिसीवेबल है, इसके लिए मैंने पीएनएल डेबिट में दिखाया कि एसेट में दिखाया? पहले मेरे को बताओ ये दोनों केस क्लियर है। अब थर्ड केस प्रैक्टिकली ऐसा बहुत होता है, ध्यान से देखना क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है एक्चुअली। कितने के गुड्स में आग लगा बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर, कंपनी बोला भाई हम तो सिर्फ 6,000 रुपए देंगे, ठीक है। अब पहला तो मुझे एक चीज बताओ, गुड्स कम्स इन के गुड्स गोज आउट, तो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में पूरा 10,000 दिखाएंगे, बिकॉज हमारे पास से तो पूरा 10,000 का गुड्स चला गया, पॉइंट नंबर वन समझा गया। बट कंपनी क्या बोलते हैं हम कितना देंगे, अच्छा ये 6,000 रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? तो एनीथिंग रिसीवेबल इज बैलेंस शीट असेट, बट कितना रिसीवेबल है? अब सुनो ना, 10,000 के गुड्स में आग लगा बट 6,000 ही मिलने वाला है, तो 4,000 मिलने वाला है कि डूब गया? तो इट्स अ प्रॉफिट ना, तो पीएनएल के डेबिट में कितना? ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? कौन सा वाला बेटा? वापस से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। देख 10,000 के गुड्स में आग लगा, कितने गुड्स में आग लगा? 10,000 के गुड्स में, तो मेरे फर्म से 10,000 का गुड्स चला गया, तो मैंने क्या बोला था, गुड्स जब भी जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा देने का, तो मैंने दिखा दिया कि भाई 10,000 का गुड्स चला गया। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली कि हम आपको 6,000 रुपया देने को रेडी है, तो मनी रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? एनीथिंग रिसीवेबल इज, तो बैलेंस शीट के एसेट में 6,000 दिखा दे। अच्छा 10,000 का गुड्स गया बट वापस सिर्फ 6,000 ही मिलने वाला है, तो 4,000 मिला के डूब गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस हुआ तो कहां दिखाने का, पीएनएल के? कितने का लॉस हुआ? अच्छा सपोज 10,000 के गुड्स में आग लगा, कंपनी बोला हम 7,000 देंगे, तो कितना लॉस हुआ? समझ गया लॉस का लॉजिक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखना क्या है वो भी याद रखना, ट्रेडिंग क्रेडिट में आप लोग लिखोगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या लिखोगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बैलेंस शीट के असेट में आप लोग क्या लिखोगे? इंश्योरेंस क्लेम, क्या लिखने का? इंश्योरेंस क्लेम। यहाँ पे मत लिख देना गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भाई यहाँ पे जो 6,000 रुपया ये क्लेम का अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या लिखने का? इंश्योरेंस क्लेम। और ये जो 4,000 है ये लॉस का अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या लिखने का? लॉस बाय फायर। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये समझा क्या? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम, यहाँ पे लॉस बाय फायर। अब मैंने बोला ना वर्डिंग अगर चेंज होगा, सपोज तुमको बोलता है भाई चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, तो तुम क्या लिखोगे? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, क्या लिखोगे? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। फिर इंश्योरेंस क्लेम में ये मत लिखना इंश्योरेंस क्लेम बाय थेफ्ट, वहां पे इंश्योरेंस क्लेम ही आएगा, और यहाँ पे लॉस बाय फायर के बदले क्या आएगा? लॉस बाय, लॉजिक समझ गया, वही ट्रांजिट रहेगा, तो थेफ्ट के बदले ट्रांजिट चिपका देने का। तो इसी के साथ तुम्हारे ये तीनों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी खत्म होते हैं। मेरे को बताओ यहां तक के एडजस्टमेंट में कोई डाउट है? पक्का? तुम देखो बुक में और भी एडजस्टमेंट है, तुम पूरे सम्स करोगे तुम्हारा सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये तो मतलब एकदम अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसका कुछ नहीं पढ़ के हुआ है उसको कम से कम 7 तो आना ही चाहिए, जो लोग का पढ़ के हुआ है उनको कम से कम इतना आना चाहिए, प्लस बुक के जब सारे एडजस्टमेंट प्रैक्टिस करोगे, देखो तुमको ये सारे एडजस्टमेंट आ गए ना, तुमको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि इफेक्ट्स बनते कैसे, तो कुछ नया भी दिखा ना तो भी तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब फटाफट आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चा हर बार बोलता है कि सर ये सब नहीं आ रहा है, ये सब बहुत तकलीफ दे रहा है, वो है करंट अकाउंट से रिलेटेड। तो मैं कुछ नोट्स बोलता हूँ, पहले वो नोट्स कॉपी कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू करंट अकाउंट, ऐसा लिखो, इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट मींस फर्म इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्म इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल
इन इन फिक्स कैपिटल मेथड ऑल पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो ट्रांसफर के बदले पोस्टेड भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज्यादा इंग्लिश लगता रहेगा तो सरल भाषा में बोल देता हूं एक बार के पहले हम लोग पार्टनर रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट थे कैपिटल में डालते थे, लेकिन अब ये वाले सब में किधर डालने का, करंट अकाउंट में, किधर डालने का, करंट अकाउंट, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली करके। हो गया क्या? अब एक काम करो, रफली है ना, एक स्पेसिमेन ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लो ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना, अब सुनो ना, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, बाद में तुमको कॉपी करने का पूरा मौका दे दूंगा, पहले सुन लो अभी, इधर, नहीं तो तुम्हारा ध्यान लिखने में रह जाएगा, समझने का तुम छोड़ ही दोगे। देखो क्वेश्चन, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखाया कि अगर ट्रायल बैलेंस में, ध्यान से सुनना हा, इफ क्या लिखा मैंने, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज गिवन इन, अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट तुमको दिखेगा तो समझ जाने का हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, बोलो। अब फिक्स कैपिटल मेथड में होता क्या है मालूम है, पार्टनर रिलेटेड जो जो एडजस्टमेंट, देखो नाम से ही समझ में आना चाहिए, फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल को अपन ने फिक्स कर दिया, कैपिटल को क्या कर दिया, तो कैपिटल में फिलहाल अपन कोई चेंजेस करने वाले नहीं है, तो पार्टनर रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट जो पहले कैपिटल में जाते थे अब वो सब किधर आ जाएंगे, करंट अकाउंट, अब वो सब किधर आ जाएंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे आपने जरा वर्क, ये जो मैंने एडजस्टमेंट किया था ना, मैंने कुछ हाईलाइट करा था, याद है, अब ध्यान से सुनना, मैंने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका क्या इफेक्ट बताया था, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट क्या बोला था, लेस फ्रॉम, ये नॉर्मल सम में, लेकिन अगर करंट अकाउंट वाला सम आया मतलब कैपिटल तो फिक्स है, कैपिटल क्या है, मतलब तुम कैपिटल में कुछ भी एडलेस कर सकते हो क्या, तो तुम कैपिटल में एडलेस नहीं कर सकते, समझ में आया, तो अगर तुम कैपिटल में एडलेस नहीं कर सकते बट उसको कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, तो उसको कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और एक शॉर्टकट बोल देता हूं, जो जो आइटम तुम कैपिटल में एड करते थे ना वो सारा करंट के क्रेडिट में लिख देने का, और जो जो आइटम लेस करते थे वो डेबिट में, फिर से बोल रहा हूं, लेस करने वाला आइटम डेबिट, ऐड करने वाला आइटम, तो फिलहाल मैंने क्या बताया था, ड्रॉइंग हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में से माइनस, तो ये क्या हो जाएगा करंट अकाउंट के, समझा क्या, फिर से बोलो, ये करंट अकाउंट में कब जाएगा, अगर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, और फिक्स कैपिटल मेथड है, कैसे पता चलेगा, करंट अकाउंट दिया रहेगा, तो समझ क्या दिमाग में बिठा लो, मान के अगर करंट अकाउंट आया ना कैपिटल को इज्जत नहीं देने का, क्या बोला, करंट अकाउंट आया तो कैपिटल को इज्जत
मतलब कैपिटल में ना कोई चीज ऐड करना ना कोई चीज लेस करना, कैपिटल डायरेक्ट लिख के छोड़ देना, इज इट क्लियर? अच्छा चलो बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मैंने क्या सिखाया, पीएनएल डेबिट, एंड दूसरा क्या बोला, ऐड टू, लेकिन अगर करंट अकाउंट वाला सम है तो कैपिटल को इज्जत नहीं मिलेगी, उसके बदले वो किधर जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, समझा ना? फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहला इफेक्ट में देयर इज नो चेंज, खाली पहले जो इफेक्ट कैपिटल में से लेस होता था अब वो करंट अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, इज इट क्लियर? एंड लास्ट में देखो सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, पहले इफेक्ट में देयर इज नो चेंज, सेकंड इफेक्ट पहले कैपिटल में जाता था अब कैपिटल के बदले वो किधर जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट। सो मोटा मोटा क्या समझ में आया अपने को कि जो जो आइटम हम कैपिटल में माइनस करते थे वो डेबिट में लिखेंगे और जो जो आइटम प्लस करते थे वो क्रेडिट में। फिर से बोलो, माइनस करने वाला आइटम करंट के डेबिट में और प्लस करने वाला आइटम करंट के क्रेडिट में। अब इसका स्पेसिमेन में देखो, एक तो तुमको ओपनिंग बैलेंस दिखाना पड़ेगा और ये ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड आ सकता है, हाँ, किसी पार्टनर का डेबिट, किसी पार्टनर का क्रेडिट, कभी कभी किसी समय दोनों का डेबिट दोनों का क्रेडिट, तो ये तुमको ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया है मतलब डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड दिया है तो क्रेडिट बैलेंस। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहां से मिलेगा ये भी लिख देता हूं, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, यहां पे भी गिवन इन ट्रायल बैलेंस से तुमको मिल जाएगा ये करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरे को एक चीज बताओ, अब मैंने थोड़ी देर पहले एडलेस का बात किया, ड्रॉइंग्स जो होता है तो ड्रॉइंग हम कैपिटल में से पहले क्या करते थे माइनस, अब कैपिटल के बदले वो करंट में किधर आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट डेबिट साइड पे हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। अच्छा पार्टनर वाइज बनता है, तो ए का ड्रॉइंग जितना है बी का ड्रॉइंग जितना है वो तुमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट तो बेटा जो दिया रहेगा वो लिखोगे ना, यहाँ पे मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ तो लेस करते थे दीदी, तो यहाँ पे जो जितना अमाउंट था वही लिखोगे ना, अभी 2000 ड्रॉइंग किया तो तू यहाँ कितना लिखेगी, 3000 ड्रॉइंग किया तो 3 खत्म, बस लिख के छोड़ देने गए, ठीक है। चलो ये उसके बाद देखो नेक्स्ट 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 और क्या लेस होता था अगर तुमको याद होगा तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दो चीजें हम लोग माइनस करते थे, याद है ना, एक तो ड्रॉइंग माइनस करते थे और देखो ये वाला एडजस्टमेंट अभी अभी मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला, ये भी देखो माइनस होता है, तो माइनस करने वाला आइटम मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट के किधर डालने का, डेबिट। अच्छा अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड होता है ना तो वो हम क्रेडिट करेंगे, ये समझा गया? अच्छा उसके अलावा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर भी हम कमीशन टू पार्टनर भी क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ये भी हम कैपिटल में पहले ऐड करते थे। अच्छा एक लास्ट चीज क्या बचा मालूम है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, बताओ मेरे को अगर नेट प्रॉफिट आता था तो वो तुम कैपिटल में क्या करते थे, तो अब ये किधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे भाई नेट प्रॉफिट आएगा, समझा ना? और यही अगर लॉस होता, नेट लॉस होता तो हम किधर लिखते थे बेटा, लॉस होता तो हम माइनस करते थे, अब माइनस वाला आइटम मैंने कहां डालने को बोला है, डेबिट में, तो टू नेट लॉस, बोलो समझा गया नहीं समझा। एंड फाइनली उसके बाद आपको जो भी बैलेंस है वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो उसके सामने क्या लिखने का, बैलेंस कैरिड डाउन, और दोनों साइड आ सकते हैं, डेबिट में भी आ सकता है और वो डिपेंड करता है ए भाई बैलेंस कौन सी साइड लिखते हैं, हायर साइड लोअर साइड, तो वो हिसाब से तुमको डिसाइड करना है। और ये जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, किधर डालने का, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने का। पहला मेरे को बताओ, ये मोटा मोटा पूरा लॉजिक समझ गया क्या, ठीक है, तो ये फटाफट आप लोग कॉपी कर लो, फिर इसका प्रैक्टिकली सम बताऊंगा ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से पूरा नोट और ये पूरा स्पेसिमेन कॉपी कर लो। ओके अभी करंट अकाउंट से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 5 खत्म करते हैं, देन प्रैक्टिस में आप लोग वो बोर्ड का सम करोगे, ठीक है। कौन सा वाला ईयर का, मार्च 2023 वाला, आई थिंक सो लास्ट ईयर के पेपर में है ना, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा फटाफट एक काम करो ना, मार्किंग कर लो पहले। अच्छा उससे पहले क्वेश्चन हमेशा टकले पे से रीड करना, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है जरा बताओ सबको, पेज नंबर 34, ठीक है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब मेरा बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इधर कुछ लोगों के बुक में ये 3:2, 1:1 भी हो सकता है,
तो बेसिकली वो जो नेट प्रॉफिट बचेगा ना, वो तो देखो एग्जाम में तो जो तुमको मिलेगा तुमको वही करना है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग का एडिशन अलग अलग है बोल के, किसी किसी में 3:2 है, किसी किसी में 1:1 है, बट फिलहाल मेरे पास जो सम था वो 3:2 के हिसाब से था, तो अभी हम 3:2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में जैसा बोलेगा आप वैसा डिवाइड कर लेना, ओके। और क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ओके। चलो मार्किंग कर लो, ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, मार्किंग करते जाओ, टीडी ट्रेडिंग डेबिट, कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली उठा के लाइबिलिटी में लिख देने का, बाजू में लिख लो बैलेंस शीट लाइबिलिटी, लिखा क्या। अब देखो आपको करंट अकाउंट दिखा, अच्छा करंट अकाउंट बेसिकली उसके बाजू में लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बाजू में आपको सिर्फ इतना लिखना है, इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, लिखा। तो ये जो भी ओपनिंग बैलेंस याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पेसिमेन बनाया था तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने बोला था करंट अकाउंट में बाल बीडी लिखने का, समझा ना, बस यही है वो। तो यहाँ पे बाल बीडी तुम लोग लिखोगे। अच्छा एक और चीज सुनो, राम का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो किधर दिया है, तो मतलब राम का क्रेडिट बैलेंस है और कृष्णा का डेबिट बैलेंस, तो दोनों साइड बाल बीडी आएगा, वो मैं जब करूंगा प्रैक्टिकली तुमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। परचेजेस किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग डेबिट, उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, फिर डेटर्स क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल कमीशन, ध्यान से सुनना, अमाउंट कितना दिया 2800 और डेबिट में दिया है मतलब खर्चा है, समझा ना। तो पीएनएल डेबिट लिखा क्या, कमीशन पीएनएल डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज बोलो बोलो पीएनएल डेबिट, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा ये आरडीडी कौन सा है, खाली वो ओल्ड लिख लो, बाद में वो अननो वाले फॉर्मूले में अपन फिट कर देंगे, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस पीएनएल डेबिट में वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में इन्वेस्टमेंट लोन एंड एडवांसेस गिवन, भाई लोन लिया नहीं है दिया है, समझा ना, तो फ्यूचर में मनी रिसीवेबल है किधर आएगा, असेट। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंश्योरेंस खर्चा है पीएनएल डेबिट में डालो। बैड डेट्स, ये कौन सा बैड डेट्स है, ओल्ड, और ये भी पीएनएल में के डेबिट में ही आएगा, समझा ना, ओल्ड वाला कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता है। फिर लास्ट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला, इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड मतलब इन्वेस्टमेंट, तो ये भी किधर आएगा, असेट। और यहाँ पे परसेंटेज और डेट भी दिया है, मतलब देयर इज एन हिडन एडजस्टमेंट, वो लास्ट में देख लेंगे। पहले मेरे को बताओ पोस्टिंग क्लियर है क्या, पोस्टिंग में कोई डाउट है, ठीक है। अच्छा अब एक एक करके एडजस्टमेंट में मैं पढ़ता रहता हूँ और सॉल्व करता रहता हूँ, उससे पहले फॉर्मेट देख लेना जरा। फॉर्मेट पे ध्यान देना, ये मेरा ट्रेडिंग पीएनएल है। अच्छा इसमें ना मैंने बीच में डिवाइडर वाला लाइन नहीं डाला है, बट तुम समझ जाओ, मतलब 1/4 पेज जो ऊपर का है वो मेरा क्या है, ट्रेडिंग, यहां तक का समझ लो, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये मेरा क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये मेरा क्या है, बैलेंस शीट। अच्छा पहला क्वेश्चन, सर हमको कैसा पता चलेगा कि करंट अकाउंट बनाने का है, तो सिंपल सा लॉजिक है, सम में इससे पहले करंट अकाउंट आया था क्या, इसके लिए मैंने नहीं बनाया, ये पहला सम है जिसमें क्या आ गया, करंट अकाउंट। तो याद क्या रखना, व्हेनेवर इन ट्रायल बैलेंस करंट अकाउंट इज गिवन, तो हम करंट अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे, पहला ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलो और बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज तुम जानते ही हो, पहला एडजस्टमेंट रीड करो क्या है, बच्चा एकदम पपलू एडजस्टमेंट है, इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट किधर आता है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 38,000। इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के असेट में, तो बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक 38। अच्छा ये ऊपर जो जगह दिख रहा है ना, ये फिक्स्ड असेट के लिए छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है, फिक्स्ड असेट समझते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी जो हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, बट अगर तुमने नहीं भी छोड़ा तो इतना टेंशन मत लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल। एक मिनट, पहला मेरे को एक चीज बताओ भाई, क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तुमको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा तो क्वेश्चन बुक में से देखना। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, बेसिकली ये जो सैलरी है ये तुम आउटसाइडर को देने वाले हो, पार्टनर को देने वाले हो, बट सैलरी किसी को भी दो, फर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो पहला इफेक्ट किधर आएगा, पीएनएल के डेबिट में, इसके नीचे ही मेरा पीएनएल स्टार्ट हो रहा है, तो पीएनएल के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू राम सैलरी, कितना सैलरी है देख के बताओ, 6,000 रुपया, पहला बताओ इसमें कोई डाउट है। अच्छा एक मिनट, मैंने क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, पार्टनर को अगर तुमको कोई भी चीज देना है तो तुम क्या करोगे, उसको कैश दोगे या उसके कैपिटल में डालते हैं, बट एक मिनट ये तो
करंट अकाउंट वाला समय, और करंट अकाउंट में कैपिटल क्या होता है? फिक्स होता है। कैपिटल क्या होता है? तो इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा? बोलो। अब सेकंड इफेक्ट कैपिटल में नहीं जा सकता, अब किधर जाएगा? करंट। अब करंट में कोई भी इफेक्ट देने से पहले ना बच्चा तुमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस लिखना पड़ेगा करंट का। तो करंट का बैलेंस देखो, राम का कितना था और कृष्णा का, कृष्णा का डेबिट है इसके लिए मैं डेबिट में लिख रहा हूं, ये समझा ना, और राम का क्रेडिट है इसके लिए क्रेडिट में। पहला मेरे को बताओ ये ओपनिंग बैलेंस का फंडा समझाना, जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखना, जिसका क्रेडिट में उसको क्रेडिट में, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब मेरे को फिर से बताओ ये 6000 का सेकंड इफेक्ट करंट में आएगा बट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? दो तरीका मैं बता देता हूं, सुन लो। मेरे को बताओ सैलरी टू पार्टनर कैपिटल में ऐड होता था, और मैंने क्या सिखाया था, जो जो आइटम ऐड होता है वो, और जो जो लेस होता है वो डेबिट, यही सिखाया था, याद है? एक और शॉर्टकट बताता हूं। देखो हम लोग है ना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो अगर एक चीज डेबिट है तो दूसरी क्या होगी? तो एक इफेक्ट तुमने अगर डेबिट में डाला तो दूसरा इफेक्ट ऑब्वियसली बात है किधर लिखोगे? क्रेडिट। भाई राम सैलरी किसके कॉलम में लिखोगे, राम के या कृष्णा के? ऑब्वियसली राम के कॉलम। मेरे को बताओ पहला एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखो उसी स्टेटमेंट को आगे पढ़ो, कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन, कि भाई सैलरी दो कमीशन दो, फर्म के लिए तो खर्चा ही है ना, तो इसका भी इफेक्ट सेम ही होगा। पहला इफेक्ट किधर आएगा? पीएनएल के डेबिट में, तो टू कमीशन, टू कमीशन टू कृष्णा, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिया, निकालना पड़ेगा उसको। कमीशन क्या बोला है? 3% ऑन नेट सेल। तो जरा सेल ढूंढो ना, ऊपर कितना था, कितना था भाई? 2,08,000 था, तो उसका 3% निकाल लो, 2,08,000 का 3% अगर हम निकालेंगे तो 6,240। ये समझा मैंने कमीशन का फिगर कैसे निकाला, क्लियर है? अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ सेकंड इफेक्ट कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा? भाई करंट है मतलब कैपिटल फिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट है मतलब कैपिटल फिक्स है। तो अब सेकंड इफेक्ट पार्टनर रिलेटेड अगर कुछ भी रहेगा तो वो करंट में जाएगा। अब बताओ एक इफेक्ट डेबिट में, तो दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कमीशन टू कृष्णा किसके कॉलम में? कोई डाउट इसमें? बोलो। ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। अब जल्दी से बताओ, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए इनकम ही एक्सपेंस है, तो हम उसको भी डेबिट करेंगे, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक मिनट, दो पार्टनर का कैपिटल है, दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले पार्टनर का कैपिटल है 1,00,000, उसका कितना परसेंट है निकालो जरा, 5%। ये इजी है यार, 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000, तो उसको आधा कर दो ना, कितना हो गया? 8,000। ये समझा क्या नहीं समझा? अच्छा दूसरा, कृष्णा का कैपिटल है 80,000, उसका 10% 8 होता है, लेकिन अपने को 5% चाहिए, तो आधा कर दो, कितना हो गया? 4। टोटल इंटरेस्ट 12। फर्स्ट इफेक्ट समझा। अच्छा पार्टनर रिलेटेड सेकंड इफेक्ट कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा? एक इफेक्ट डेबिट, तो दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम के कॉलम में 8 और कृष्णा के कॉलम में 4। कोई डाउट है ये वाले में? ओके नेक्स्ट देखो, उसके बाद अब ये बहुत डिफिकल्ट है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड, ये सब आता है ना, जाके प्लांट एंड मशीनरी ढूंढो ऊपर, कितना है? 63,000। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे, कितना है भाई? 63,000, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितना परसेंट? 5% है ना, तो 63 का 5% 3,150 होता है, बराबर ना, माइनस करेंगे तो 59,850। अब जल्दी बताओ डेप्री का सेकंड इफेक्ट हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं पीएनएल में, तो पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,150, इसमें कोई डाउट है? ये तो एकदम पॉपुलर है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद 3,000 फ्रॉम आर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। एक मिनट इसको जरा साइड में रखना, पहले मैं इंश्योरेंस समझा देता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस बोला, तो जाके पहले इंश्योरेंस देख लो ना कितना है। तो पहले हम लोग इंश्योरेंस पीएनएल में लिख देंगे। अब बताओ प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है? अब ये तो याद हो जाना चाहिए, प्रीपेड हम लोग माइनस करेंगे, 500 बचा कितना? 2,000। ये 500 जो प्रीपेड है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? तो असेट साइड पे जाके हम दिखा देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना भाई? 500। वो ऊपर नीचे का टेंशन मत लेना, तुम अपने हिसाब से लिख देना। मेरे को बताओ ये प्रीपेड का फंडा क्लियर है? अब लास्ट में सिर्फ एक चीज बच रहा है अपना, ये थर्ड वाला, 3,000 फ्रॉम आर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। ये बेसिकली ये घुमा फिरा के बोलना क्या चाह रहा है, बैड डेट्स हो गया भाई, कस्टमर से पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब क्या हो गया, पैसा डूब गया ना, और पैसा डूब गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। ये समझा? सिर्फ मुझे इतना बताओ ये ओल्ड बैड डेट्स है कि न्यू बैड डेट्स है? तो न्यू बैड डेट्स लिखने से पहले आपको डेटर को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो जाके डेटर।
173,500 और डेटर उठा के हम कहां लिखते हैं भाई, असेट में। तो सन्ड्री डेटर कितना हो गया 173,500, इसमें से माइनस करना होता है न्यू बैड डेट्स। कभी भी याद रखना डेटर में ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी कभी माइनस नहीं होता है, सिर्फ न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी माइनस होता है। तो न्यू बैड डेट्स कितना था, 3000 था ना, माइनस करेंगे तो 170,500। अब न्यू आरडीडी वगैरह था नहीं तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दिया। अच्छा मेरे को बताओ ये जो न्यू बैड डेट्स इट्स अ प्रॉफिट के लॉस, लॉस का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के, बट यहाँ पे फॉर्मूला याद रखा है ना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। पहले ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलेगा बोलो, ढूंढो है क्या भाई, हमने ढूंढ के रखा था 500 लिख के भी रखा था। सो टू ओल्ड बैड डेट्स कितना 500, इसमें ऐड क्या करेंगे न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट्स मतलब जो एडजस्टमेंट में था कितना, फिर हम ऐड करते न्यू आरडीडी, बट एडजस्टमेंट में तो कोई आरडीडी नहीं है, और फिर हम लेस क्या करते ओल्ड आरडीडी, ढूंढो है क्या, है ना यहाँ पे। तो बस हम लोग इसका पहले टोटल कर लेंगे और इसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस कर देंगे तो 2500। भाई ये वाला फंडा समझ में आया, कोई डाउट है मेरे को बताओ, सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या, एक हिडन एडजस्टमेंट बचा हुआ है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड दिया था, मेरे को बताओ गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है मतलब वो क्या है असेट। तो हम लोग क्या करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड को किधर दिखाएंगे बताओ जल्दी से, तो असेट साइड पे हम जाके दिखाएंगे गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000 का है, कितने का है। अब सुनो ना मेरे को एक्चुअली वो बॉन्ड से या इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को है ना उसका परसेंटेज दिया ना वो तकलीफ दे रहा है। बेसिकली वो परसेंटेज क्या इंडिकेट करता है मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंडिकेट करता है वो रेट ऑफ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, 15,000 पे कितना परसेंट था 12%। अच्छा लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए क्यों कैलकुलेट किया, फर्स्ट जैन को खरीदा और तुम ईयर एंड कर रहे हो मार्च को, तो जनवरी फरवरी और मार्च। तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे जब तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे या 3 मंथ्स का, इसके लिए वो 3/12 हुआ। अब इसको कट पुट करोगे तो आंसर क्या आता है 450। मेरे को बताओ ये समझ में आया। अच्छा अब एक सवाल का जवाब देना, ये जो 450 का इंटरेस्ट है ये अपने को पे करना है कि अपने को मिलना चाहिए, भाई इन्वेस्टमेंट किया है ना तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना। चेक करो तुमको कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड दिया हुआ है क्या, ढूंढ लो एक बार, नहीं है ना। तो एज पर दी इंफॉर्मेशन 450 मिलना चाहिए था, बट ट्रायल बैलेंस के हिसाब से अभी तक अपने को कुछ भी इंटरेस्ट मिला, तो कहने से ये पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग इनकम है। अरे समझा कि नहीं समझा, 450 मिलना बाकी है मतलब ये मेरा क्या आउटस्टैंडिंग इनकम। अब ये मेरा अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो एक इफेक्ट तो अपन इसी में ऐड कर देंगे, रिसीवेबल है ना तो असेट में ही दिखा देंगे। और एक चीज मेरे को बताओ ये इनकम है तो इसका एक इफेक्ट किधर आएगा, पीएनएल के, इनकम है तो पीएनएल के, तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना भाई 450। विद दिस अपने सारे एडजस्टमेंट जो दिए हुए थे हिडन थे सब अपन ने कर दिए, कोई डाउट है इसमें पक्का। अब पोस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं ध्यान से देखना, ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा, ये करंट अकाउंट वाला समय इसके लिए मैं बैलेंसिंग के साथ बता रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, उसके बाद कैपिटल अकाउंट ध्यान से देखना। आज से पहले याद है अपन कैपिटल लिखते थे पार्टनर में, फिर गैप देते थे, फिर दूसरे पार्टनर का नाम लिखते थे, क्यों, बिकॉज उस पार्टनर में अपने को बहुत कुछ एडलेस करना था। बट इस बार ऐसा कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अपना कैपिटल क्या है फिक्स है, करंट है मतलब कैपिटल क्या है फिक्स। तो कैपिटल को खाली तुमको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है, ये समझा क्या। आज से पहले कभी ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखते थे, है ना, उसमें नेट प्रॉफिट ये वो फलाना ढिमकाना जब तक नहीं आता तब तक उसको अंदर ही रखते थे। चलो उसके बाद देखो ना नेक्स्ट, करंट अकाउंट का पोस्टिंग ऑलरेडी कर दिया, फिर परचेजेस किधर आएगा, एंड देर इज नो रिटर्न तो सीधा आउटर कॉलम। हा परचेज के बाद सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स के बाद सन्ड्री डेटर हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आ गया, उसके बाद वो किधर आएगा तो असेट में बिल रिसीवेबल लिख दिया 47,000, फिर उसके बाद बिल्स पेबल किधर आएगा लाइबिलिटी, फिर कमीशन किधर जाएगा, वो भाई वो पार्टनर का कमीशन हुआ है, नॉर्मल कमीशन तो बाकी है ना, फिर उसके बाद वेजेस किधर आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस के बाद सैलरीज पीएनएल के, अगेन वो सैलरी पार्टनर का है, नॉर्मल सैलरी अपने को पीएनएल में दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फर्नीचर ऊपर फिक्स्ड एसेट है ना तो ऊपर की तरफ दिखा दो, फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, आरडीडी इन्वेस्टमेंट बाकी है ना तो इन्वेस्टमेंट 10,500, इन्वेस्टमेंट के बाद लोन एंड एडवांसेस गिवन किधर आएगा, ये
असेट, फिर उसके बाद इंश्योरेंस, किधर बेटा इंश्योरेंस प्रीपेड वो लिख चुके हैं याद है ना, फिर बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो चुका है विद दिस कैन आई से पोस्टिंग इज ऑल्सो डन। तो देखो ऐसा लगता है कि करंट अकाउंट आएगा तो मैं लूट गया बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली तुम अगर प्रॉपरली कॉन्सेप्ट तुमको पता है, कॉन्सेप्ट पता होने के साथ साथ प्रैक्टिस खुद से करके जाना है। अकाउंट्स थियरी नहीं है कि खाली तुम देख के चले गए हाँ मजा आ गया चलो कर लेंगे, या वीडियो भी देख लिया अब एग्जाम में जाके मैं आग लगा दूंगा, नहीं तुमको एग्जाम से पहले बिना देखे वो खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा वीडियो देखने के बावजूद भी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है चलो आप बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। इसका बैलेंसिंग ध्यान से देखना, ये ऑब्वियस ही बात है, हम लोग पहले क्या क्लोज करेंगे ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल चेक करेंगे तो 2,46,000 होता है बराबर ना, एंड डेबिट का टोटल चेक करो 1,30,760, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1,08,240। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, अपन क्या करेंगे जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड और जो डिफरेंस आया वो, और इसको हम क्या बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर किधर करेंगे, पीएनएल में, उसी के नीचे पीएनएल है ना, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,08,240। पहले ग्रॉस प्रॉफिट तक का समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? चलो प्रॉफिट एंड लॉस अभी कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से देखना यहाँ पे भी क्रेडिट टोटल ही ज्यादा है समझा ना, और डेबिट जब तुम पूरा टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल आता है 37,690। तो अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अगेन जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड और जो डिफरेंस आया वो लोअर साइड। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, यूजुअली क्या होता है प्रेजेंटेशन देखना, जो 71,000 का नेट प्रॉफिट है हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, बट अब तो अपना कैपिटल फिक्स है तो ये भी कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा समझा ना, तो इसीलिए देखो ब्रैकेट में लिखा है ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अरे एक मिनट, अब तुमको बुक के हिसाब से मतलब तुम्हारे एग्जाम में जैसा आएगा वैसा करना है, अभी मैं फिलहाल कौन से रेशियो से जाने वाला हूँ 3:2, मेरे क्वेश्चन में 3:2 दिया था तो मैं 3:2 में डिवाइड कर रहा हूँ। आपके बुक में अगर 1:1 से है तो आप बाद में चाहिए तो प्रैक्टिस करने के टाइम 1:1 करोगे तो भी चलेगा, बट फिलहाल 3:2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो पहले वाले को 71,000 में से 3/5 मिलेगा 42,600 होता है, दूसरे वाले को 75 में से 2/5 मिलेगा तो 28,500। ये समझते हैं ना डिविजन कैसे किया, तो बस इसको हम लोग पहले वाले पार्टनर में लिख देंगे और इसको दूसरे वाले में, कोई डाउट है? अच्छा अब ये बताना मेरे को ये कैपिटल में जाएगा या करंट में, अभी बोला था मैं करंट में कौन सा साइड, एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा तो क्रेडिट में जाके हम क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 42,600 एंड 28,400, कोई डाउट है? अब करंट अकाउंट को क्लोज करो ध्यान से एंड पार्टनर वाइज क्लोज करना पड़ेगा। पहले राम की बात करते हैं, राम का क्रेडिट टोटल चेक करो ना जरा कितना दिख रहा है, क्रेडिट में ही ज्यादा है 64, डेबिट में अरे भाई राम का क्या है डेबिट में जीरो है ना, तो अगर बैलेंस करूं तो कहने से बैलेंस विल बी सेम 64,600, कोई डाउट है? कृष्णा का क्रेडिट में देखो टोटल आता है तुम्हारा 38,640 और डेबिट टोटल अगर कृष्णा का चेक करोगे तो 4,000, तो इसका डिफरेंस कितना बचेगा 34,640। अब करना क्या है, जो टोटल बड़ा है वो और जो डिफरेंस आया वो, सेम वे में इसका भी जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड और जो डिफरेंस आया वो लोअर साइड। अब सुनो ये जो बैलेंस बच गया ये क्लोजिंग बैलेंस है, और मैंने क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या बोला था बैलेंस कैरी डाउन लिखने का, क्या लिखने का बैलेंस कैरी डाउन, और ये जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा है इसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे, अब एक शॉर्टकट याद रख लेना, अभी देखो रिवीजन में इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूं, शॉर्ट में याद रखो अगर बैलेंस लेफ्ट में बचा ना तो लाइबिलिटी में डाल देना, मतलब लेफ्ट में बचा तो लेफ्ट साइड, राइट में बचा तो, और यूजुअली तुम फाइनल अकाउंट के सम्स में देखोगे लेफ्ट में ही बचता है यानी कि डेबिट साइड पे बचता है। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है फाइनली पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, राम का 64,600 और कृष्णा का 34,640, टोटल हो जाएगा 99,240, कोई डाउट है? एंड फाइनली परंपरा के अनुगत हमारा बैलेंस शीट टल्ली हो जाना चाहिए, कोई डाउट है करंट अकाउंट में तो पूछ सकते हो अभी, कंफर्म? कुछ नहीं, ठीक है जल्दी जल्दी कॉपी कर लो।